हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आई एम श्रुति पटेल टीचर ऑफ सीनियर के जी टूडे वी आर लर्निंग अबाउट इंग्लिश सब्जेक्ट सो बच्चों इंग्लिश में प्रीवियस वीडियो में हमने नया लेसन स्टार्ट किया था लेसन नंबर ट्वेंटी यूज ऑफ इन ऑन एंड अंडर मैंने आप लोगों को पूरा समझा दिया था एग्जांपल्स भी दिए थे फिर भी मैं एक बार रिपीट कर लेती हूँ इन का मतलब क्या होता है अंदर जो भी चीज़ किसी भी चीज़ के अंदर हो तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे आई इन और ओ एंड ऑन का मतलब होता है ऊपर टेबल पे हमने देखा है कि स्कूल पे मैं आके सीधा अपने पास जो टेक्स्ट बुक जो भी होती है वो मैं कहाँ पे रखती हूँ टेबल पे रखती हूँ तो उसके लिए क्या यूज़ होगा ओ ऑन यानी कि किसी एक चीज़ के ऊपर किस, किसी दूसरी चीज़ को हमें रखना है तो हम क्या यूज़ करेंगे ऑन ओके okay? और लास्ट है यू एन डी आर अंडर अंडर का मतलब होता है नीचे ओके okay? आप आते हो स्कूल पे फिर आप बेंच पे बैठते हो लेकिन बेंच के नीचे आप अपना बैग रखते हो ना हाँ तो वो क्या हुआ बेंच के नीचे हुआ तो उसके लिए हमें यूज़ करना है अंडर ओके okay, बच्चों समझ में आया आई एन इन ओ एन ऑन under, यू एन डी ई आर अंडर आपको किस तरह से यूज करना है और उसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज होगी फिल इन द ब्लैंक्स होगी उसको आपको कैसे ध्यान में रखते हुए करना है वो आज हमें करना है ओके okay? सो so, आज हमें क्या करना है टेक्स्ट बुक में ही करना है सो so, आपको मेरे जैसे टेक्स्ट बुक में ही करना है तो टेकन योर English textbook page number fifty two. So let's start. Look at this. Fill in the blanks with in, on, air, under. यहाँ पे O R or दिया गया है, लेकिन ये n जैसा ही है. आपको सिर्फ आई एन इन ऑन और अंडर ही यूज़ करना है कई बार मैंने बच्चों को एग्जाम में भी देखा है और को भी फिल इन द ब्लैंक्स में लिख देते हैं लेकिन वो आपको याद रखना है आई एन इन ऑन अंडर ये ही होता है ओके एग्जाम में कभी भी आई वी और यू भी यूज़ करने को आता है बीच में ओ आर और, और आता है तो आप लोग और और भी फिल इन द ब्लैंक्स में लिख देते हो लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है और हमें क्या यूज़ करना है फिल इन द ब्लैंक्स में ओके सो so, देखो यहाँ पे द लैम्प इज ब्लैंक द टेबल चलो ये लैम्प है और ये टेबल है ये टेबल के ऊपर है क्या लैम्प तो हमें क्या यूज़ करना है ओ एन ऑन आई एन इन या अंदर मैंने क्या बोला ऊपर को, कोई भी चीज़ के ऊपर किसी भी चीज़ का हमें रखना है तो हम क्या बोलेंगे ऑन बोलेंगे ऑन यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या on आएगा ओ एन ऑन आएगा द लैम्प इज ऑन द टेबल नेक्स्ट ये क्या है द कैट इज ब्लैंक द मैट ये मैट है और ये कैट है ये मैट के ऊपर कौन है कैट है तो यहाँ पे भी क्या आएगा ओ एन ऑन आएगा नेक्स्ट द रेट इज ब्लैंक द बेड चलो ये बेड है और उसके नीचे नीचे ध्यान में रखो बेड के नीचे कौन है रेट है ओके okay? और मैंने आपको क्या सिखाया है आई एन इन यानी अंदर ओ एन ऑन यानी ऊपर और अंडर यू एन डी आर अंडर का मतलब होता है नीचे तो यहाँ पे क्या आएगा ये जो रेट है वो बेड के नीचे है तो हमें लिखना है द रेट इज यू एन डी ई आर अंडर द बेड ये चूहा जो है वो बेड के नीचे है नेक्स्ट द लायन इज ब्लैंक द डैन ये डैन है गुफा उसके अंदर देखो मेरे वर्ड्स सुनो अंदर लायन है शेर है ओके यानी कि अंदर गुजराती में होता है तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना है आई एन इन ओ एन ऑन या यू एन डी आर अंडर यहाँ पे देखो हमने ऊपर तो क्या लिखा ऑन लिखा यहाँ पे नीचे तो हमें क्या लिखा अंडर लिखा तो अब कौन सा रहा जो अंदर के लिए यूज होता है ये देन है गुफा उसके अंदर क्या है लायन है तो हमें यूज करना है आई एन इन द लायन इन द दैन नेक्स्ट द बॉय इज ब्लैंक द टब चलो ये टब है और ये बॉय टब के अंदर है यानी कि वो नहा रहा है ना टब में बैठ के तो क्या होगा अंदर बैठा है टब के अंदर तो क्या आएगा आई एन इन द बॉय इज इन द टब ओके नेक्स्ट द कैप इज ब्लैंक द कॉट ये कॉट है यानी खटिया है उसके नीचे ये क्या है कैप है देखो मेरे वर्ड्स सुनो नीचे ये कॉट के नीचे हैं नीचे यानी क्या आएगा अंदर अंडर का गुजराती मीनिंग हिंदी मीनिंग क्या होता है नीचे ओके द कैप इज अंडर द कॉट समझ में आए बच्चों कैसे करना है एक बार फिर से रिपीट कर लेती हूँ द लैंप इज ऑन द टेबल यहाँ पे टेबल है उसके ऊपर ये लैंप रखा गया है इसके लिए हमने यूज़ किया ओ एंड ऑन द कैट इज़ ऑन द मैट ये जो कैट है वो मैट के ऊपर बैठी है इसलिए हमने यूज़ किया ऑन द रेट इज़ अंदर द बेड यह जो रेट है चूहा है वो बेड के नीचे है इसलिए हमने यूज़ किया अंदर द लायन इज़ इन दैन इसका मतलब होता है ये जो लाइन है वो गुफा के अंदर है ओके okay, अंदर इसलिए हमने यूज़ किया आई एन इन द बॉय इज इन द टप ये जो लड़का है वो टप के अंदर है इसलिए हमने यूज किया आई एन इन और द कैप इज अंडर द कॉट ये जो कैप है वो खटिया के नीचे है ये जो टोपी है ना वो खटिया के नीचे है इसलिए हमने यूज़ किया यू एन डी आर अंडर ओके आपको ऐसे ही टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करना है पिक्चर के बिना हम नोटबुक में नहीं लिख सकते इसलिए मैंने सिर्फ बुक में ही करना करवाया है आधे से ज़्यादा ऐसे हमारे चैप्टर है लेसन्स हैं जिसमें विदाउट पिक्चर हम ये नहीं कर पाते इसलिए नोटबुक में नहीं लिखेंगे ये सारा कुछ हम टेक्स्ट बुक में ही करेंगे ओके सो so, आज के लिए इतना ही बाय